कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल हो गई है और दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई योगी से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है। लोकसभा निर्वाचन के लिए अपने कांग्रेस प्रत्याशी सुरहिता करीम के पक्ष में उन्होंने कुछ अपनी बातें कही। उन्होंने कहा, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था। वो लोग चुनाव लड़े हैं, सभासदों के चुनाव लड़े हैं, या जो लोग जो है यहाँ पर हमारे पदाधिकारी हैं, ये उनको बुलाया था क्योंकि चुनाव का टाइम नहीं है हमारे पास में बहुत ज़्यादा। ये जिम्मेदारियों के लिए जो लोग स्वतः आ रहे हैं और जो अपनी अपनी टीम बनाएंगे जाके अपने क्षेत्र में, वो जिम्मेदारी लेंगे। हमने व्यक्तियों के हमने से कहा है कि भाई आप अपने अपने नाम दे दीजिएगा, नाम इसलिए दीजिएगा और टेलीफोन नंबर दीजिएगा, हमारे पास समय नहीं है कि आपको सर्वर भेजें। तो साथियों ने उत्साहपूर्वक आके अपने नाम और फोन नंबर लिखाना शुरू कर दिया। ये एक प्रक्रिया इसलिए है कि हम जो लोग काम करने वाले होते हैं वो सामने नजर ही नहीं आते और नेताओं के नाम चले जाते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जो लोग वाकई काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो अपने आप को फिर समझते शिथिल मानना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रक्रिया नहीं थी। अभी इसमें बहुत सारे साथी आएंगे, बहुत सारे साथी शायद नहीं भी आए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन में आ गए वो सारे के सारे आए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कम से कम एक सही ईमानदार प्रारूप मिलेगा। एक ईमानदारी से वो लोग आएंगे सामने जो वाकई काम करते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लड़ती रही है, उसका सिग्नल आया, उस पर भरोसा। समाजवादी पार्टी ने भी आपने पिछले विधानसभा में गठबंधन किया था, लेकिन इस वक्त उनकी जो आप लोगों की दोस्ती खत्म हो गई है, उनके भी कैंडिडेट मैदान में, आपके कैंडिडेट भी मैदान में, गोया एक तरह से दोनों लोग या तो एक फासिस्ट फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। और पब्लिक में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि वो करें क्या। नहीं, पब्लिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये हम यहाँ विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नंबर एक, हम यहाँ पर योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आए। वो मुख्यमंत्री हैं, इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके पास में बहुत बड़ा बहुमत। ये चुनाव देश की केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ, इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चोर भाग रहा है, शरीफ जेलों में जा रहा है, किसान जेलों में जा रहा है, जो चोरी करके बड़े डकैती डाल के वो आराम से इस देश से बाहर जा रहा है, महंगाई खत्म नहीं हुई, नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, और उसके ऊपर ये एक मोहर की तरीके से हमने कोई जात बिरादरियों का चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी जिसके बारे में छवि है, जिनके बारे में लोग एक अच्छी बात करते हैं, हमने कोई बिरादरी का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर हमारा प्रत्याशी नहीं उतरा। हमारा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर, राहुल गांधी के एक आज उन्होंने एक अहद छिड़ी है, एक जो एक उन्होंने आपने आज जो है ललकारा है कि ये बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है ये किस तरह से लोगों का नुकसान कर रही है, व्यापारी का, किसान का, विद्यार्थी का, ये उसके खिलाफ चुनाव। और मुझे उम्मीद है कि लोग बिरादरीवाद से, जातवाद से ऊपर उठकर, हिंदू या मुसलमान से ऊपर उठकर इस चुनाव में कांग्रेस के साथ देगी और कहीं ना कहीं नुकसान लोगों से मिल गया। भी आगे कोई मैं नहीं कर सकता, ये स्ट्रेटेजी केंद्र की होगी, मेरी मैं उसमें प्रदेश की जब होगी तो आप उसको कह सकते हैं मेरे सही क्या बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। वोटों का जब ध्रुवीकरण जो हो रहा है, एक समय तक कि काफ़ी लोग आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ, शहर के अंदर भी एक हलचल से बची हुई है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, तो उनको एक कंकाना देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए मेरा क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी मुस्लिम को संतुष्ट नहीं करता, उसको तकलीफ है, जो समझ सकता है
कि कांग्रेस ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी किसी को हीन भावना महसूस नहीं कराई, कभी किसी को कमतरी का एहसास नहीं दिलाया। उसको स्वयं सोचना पड़ेगा कि ये वोट उसका किसके लिए जाएगा, ताकि जब तक वो एहसास नहीं करेगा, जब तक वो इस बात को नहीं समझेगा।